कराटे की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वार्म अप एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अगर आप वार्म अप ही स्किप करते हो तो इससे क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग में पंच या फिर किक करते हो आपके हाथ और पैरों के मसल्स में टेंशन महसूस होता है। कभी कभी आपके हाथ दर्द करने लगते हैं और आप इंजर्ड भी हो सकते हो। इसलिए अपनी कराटे ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप जरूर करें। मैं हूँ राहुल दाभाड़े और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वार्म अप करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इससे आपको अलग अलग किक करने में मदद मिलती है। वार्म अप करते समय आपको ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जहाँ पर नी, शोल्डर, एंकल्स, बैक, इन सभी की एक्सरसाइज हो। नेक रोटेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, बैक 1, 2, 3, 4, 5। सभी एक्सरसाइज के आपको 5 से 10 काउंट पूरे करने हैं। अब दोनों हाथों को आगे लेकर अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाना है। दोनों हाथों को आगे लाकर पीछे खींचना है। दोनों हाथों को अब आपको शोल्डर पे रखना है और गोल घुमाना है, पहले आगे की तरफ और बाद में पीछे की तरफ। आर्म सर्कल्स, दोनों हाथों को आगे की ओर गोल घुमाना है। 1 से 5 काउंट होने के बाद अब वापस उन्हें पीछे की ओर गोल घुमाएं। एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे की ओर अब ले जाएं। राइट हैंड को आगे की तरफ गोल घुमाना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर गोल घुमाना है। अब लेफ्ट हैंड को आगे की ओर घुमाना है और राइट हैंड को पीछे की ओर। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लाकर पीछे खींचना है, इसे कहते हैं रोम्बॉइड पुल्स। दोनों हाथों को कमर पे रखकर लेफ्ट और राइट साइड में झुकना है। दोनों हाथ घुटनों पे रखकर घुटनों को आगे की ओर बेंड करना है। घुटनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुटनों को गोल घुमाएं। अब एडी को उठाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाना है। ऐसे ही दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। उसके बाद अब दोनों एडियों को आपको ऊपर उठाकर नीचे रखना है। दोनों हाथों को पीछे खींचकर अब जमीन को टच करना है, पहले राइट साइड और फिर बाद में लेफ्ट साइड। इस तरह 10 काउंट पूरे करें। अब पैरों में डिस्टेंस लेकर अपने हाथों को सर के पीछे लें और सर से लेफ्ट और राइट घुटने को टच करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को और अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करने की कोशिश करें। इस तरह 10 काउंट आपको पूरे करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लूजनिंग किक, अपने घुटने को सीधे रखकर इस किक को करना है। लूजनिंग किक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। राइट लेग और लेफ्ट लेग के दोनों पैरों के आपको 5 काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आउटर किक, इस किक में आपको अपने पैर को अंदर से बाहर की तरफ गोल घुमाना है। अब जो पैर आपने आगे रखा है उसे आपको पीछे किक करनी है। अपने पैर को जितना हो सके
उतना ऊपर ले जाइए। दूसरे पैर के भी 5 काउंट पूरे करें। शुरुआत में किक को ज़्यादा हाइट ना दें, इससे आप जिस पैर पर खड़े हो वो पैर फिसल सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। अब आपको अपने पैर को साइड में जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। दोनों तरफ ऐसे आपको 5 से 10 काउंट पूरे करने हैं। कम से कम अपने पैर को अपने शोल्डर की हाइट तक लाने की कोशिश करें। इनर किक। अब अपने पैर को आपको बाहर से अंदर की तरफ गोल घुमाना है। वन, टू, थ्री, फोर। साइड सिटअप्स। अब अपने एक पैर को सीधे करें और एक पैर पर बैठ जाएं। अब खड़े रहकर आपको अपने वेट को एक से दूसरे पैर पर ले जाना है। इस तरह आपको 15 से 20 काउंट पूरे करने हैं। साइड सिटअप्स पूरे हो जाने के बाद अपने लेफ्ट पैर को पीछे फोल्ड करना है और राइट पैर को आगे, और अपने घुटने को सर से टच करना है। दोनों तरफ इस तरह 5 काउंट पूरे करने हैं। अपने दोनों पैरों को अंदर की ओर लाकर अपनी तरफ खींचना है और घुटनों को ऊपर नीचे करना है। अब सर को धीरे से जमीन की तरफ ले जाए। अपने दोनों पैरों को सामने लाकर अब अपने सर से घुटनों को टच करना है। इस तरह 5 काउंट पूरे करें। अब अपने पैर में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस लाने की कोशिश करें और बाद में अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को और अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करते समय आपको अपने सर से घुटने को टच करने की कोशिश करनी है। अब सबसे आखिर में आपको धीरे धीरे पैरों में डिस्टेंस लेकर फुल स्प्लिट करना है। अब फुल स्प्लिट पोजीशन में बैठकर आपको अपने सर को जमीन की तरफ ले जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल पर मैं कराटे और सेल्फ डिफेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।